तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां किसान 47वें दिन में कड़कड़ाती ठंड में अपने हक के लिए सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के मुद्दे पर दायर की गई याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई होनी है और एक याचिकाओं सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए है और दूसरे में इसको पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा आज की जाने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक निर्धारित है। लेकिन तीन कानूनों का विषय है, तीनों कानून जनहित में है। और मेरा दूसरा कहना है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका उपयोग करने के बाद ही पता लगता है कि वो ठीक है या गलत है। मैं कहता हूं एक साल अगर हम उपयोग करने के बाद देखते, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है अगर एक साल के बाद हमें लगेगा इसमें ये चीजें कमियां हैं तो हम ही जाकर के सब लोगों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूनता है, कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आज भी बहुत से जब शुरू में विषय निकाले गए कि इसके अंदर इन प्रावधानों के अंदर बदल करना चाहिए, तो बदल करने के लिए आज भी सरकार तैयार है, लेकिन जो एक रट लगाई कि मैं ना मानूं, मुझे तो चाहिए ना, क्या ना, तीनों कानून वापस लो। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं, इसलिए एक साल भर हम उसका उपयोग करें और कोई गलत बात लगती है तो उसको हम छोड़ देंगे।